दोस्तों, वेलकम। आपका गुरु वाला श्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जब ब्याजों का योग या अंतर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज में योग और अंतर पूछा जाएगा, तब सवाल किस प्रकार बनेगा और हमें उस सवाल को कैसे हल करना है वो यहाँ देखें। सवाल है इस प्रकार, सवाल किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज, ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो वह धन ज्ञात करो। तो वह धन क्या है? वह धन हमको ज्ञात करना है। इस सवाल को दोस्तों मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। इस सवाल को दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, उसी फॉर्मूले से हम इसको सवाल को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे सवाल को हल करेंगे यहाँ समझें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि साधारण ब्याज पर पहले तो 7 साल के लिए रुपया दिए गए किसी व्यक्ति को, तो हमने वो रुपया दिए पी और कितने साल के। देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा P बटे 100। यही फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो दोस्तों यहाँ समझें। देखें भाई, हमारे जो किसी ने रुपये दिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष के लिए, पहले रुपये दिए 7 वर्ष के लिए, कितने रुपये दिए, वो पी रुपये दिए, कितने साल के लिए दिए, 7 साल के लिए, और दर कितनी है जी, 5% के हिसाब से उसने पहले साल को उसने दे दिए, और जो यहाँ से प्राप्त जो ब्याज हुआ है वो, और आगे जो 10 साल के लिए रुपये दिए हैं, यानी कि पी रुपये दिए फिर उसने 10 साल के लिए दे दिए, जो यहाँ से उसको ब्याज मिला है 5% के हिसाब से, वो वाला ब्याज, ये ब्याज और ये ब्याज, इन दोनों का जो अंतर है ब्याजों का, वो 150 रुपया यहाँ दे रखा है। तो दोस्तों हमें पी की वैल्यू निकालनी है और पी के आधार पर बोलना है। तो हम यहाँ से कैसे याद कर लेंगे, सबसे पहले 7 × 5 = 7 × 5 = 35, तो यहाँ जाएगा 35P/100 माइनस यहाँ 10×50P/100=150 रुपया हमारे साधारण ब्याज का अंतर हो गया। तो दोस्तों आगे देखें, यहाँ से दोनों का एडिशन हो जाता है आपका 100, यहाँ हो गया 35P, यहाँ हो गया 50P = 150। यहाँ 50 में से 35 गए तो कितने बचते हैं आपके, 15P बच जाते हैं, 15P/100=150। अब देखो 150 से ये 15P काटना हमको कैसे काटेंगे, सिंपल है, इसको 15 से काट देते हैं 10 बार और 10 की मल्टीप्लाई 100 में होते हैं, कितना आता है, पी बराबर आपका 1000 रुपया यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो हमारा जो मूलधन था वो 1000 रुपया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट विधि से इसको कैसे हल करना है, ये आपका बेसिक टाइप है, बेसिक चीज़ है ये, बेस तरीके से, यानी कि एक ही फॉर्मूले से इसको इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से इसको हल कर लिया हमने, अब देखते हैं नेक्स्ट विधि क्या है, इसकी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वो आप इसको देखें। देखो दोस्तों वही सवाल है, अब इस सवाल को हम दूसरी विधि से, सेकेंड विधि से, यानी ट्रिक से, हम कैसे माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है आपकी, ब्याजों का जो अंतर है वो ऊपर बना कर लेंगे 100, दर गुणा समय का अंतर, जब ब्याजों का अंतर था फिर समय का भी अंतर होगा, सीधे सीधे हिसाब, ठीक है सर। तो यहाँ से इसको कैसे हल कर लेंगे, देखो ब्याजों का जो अंतर है वो 150 रुपया है और गुणा हो गया 100, दर हमारी 5% है, गुणा हमारा समय का अंतर कितना होगा भाई, 7 में से 10 में से 7 चले कितने बचेंगे, माइनस कितने बचेंगे, 3 बच जाते हैं यहाँ से, और 3×15 = 15, यहाँ से कट गया 10 बार और 10 × 100 हो गया कितना हो गया, 1000 रुपया यहाँ से हम आपको याद कर सकते हैं, 1000 रुपया। ये ट्रिक के माध्यम से आपका चुटकियों में सवाल हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखें यहाँ कैसे करेंगे इसको, बेसिक टाइप से, वो बेसिक टाइप ये है, धन है हमारा पी, 4% है और 3 साल के लिए पहले वो धन दिया गया, उस पर जो ब्याज मिला वो वाला ब्याज, और जो नेक्स्ट जो ईयर है आपकी 5 साल, यानी कि पी रुपये यहाँ दिए गए 3%, यानी कि 4% के हिसाब से, और कितने साल के लिए, ये आपके 5 वर्ष के लिए दिया गया, यहाँ का जो ब्याज है और जो ब्याज कम ज़्यादा अधिक या अंतर, ये आपके सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के अंतर होते हैं। तो इजिकल टू यहाँ से कितने रुपये हैं, 400 रुपये आपके यहाँ पर कम दे रखे हैं रुपये ब्याज के, यहाँ देखें आप
चार दिया 12 पी बटे 100, यहाँ माइनस के 4 5 20 पी बटे 100 इजी कट्टू, यहाँ से हो गया 400 रुपया। तो दोस्तों यहाँ 100 और 100 मिला कितने हो गए, दोनों का एलसीएम एलसीएम आता आपका 100, 100 का 100 का एलसीएम 100, यहाँ से 100 देखें 12 पी माइनस के यहाँ से 20 पी इजी कट्टू 400 रुपया। 20 में से 12 के कितने बचेंगे आपके 8 पी बटे 100 इजी कट्टू 400, 4 एकम 4 4 2 8, 2 से कट गया 50 बार। तो यहाँ से पी इजी कट्टू, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है 100 की मल्टीप्लाई 50 में, तो कितना आता है यहाँ से 5000 रुपया। तो यहाँ जो मूलधन है वो आपका 5000 रुपये यहाँ से प्राप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट विधि पर, इस नेक्स्ट विधि को कैसा करेंगे वो देखें। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट विधि है इस सवाल करने की, कैसे इस सवाल को हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक वही है आपकी ब्याजों का अंतर गुणा 100/10 गुणा समय का अंतर। तो दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ से है ब्याजों का अंतर कितने रुपये, ब्याजों का अंतर जो है 400 रुपये, हमने गुणा कर लिया 100 रुपये। दर कितनी है हमारी 4% और समय का जो अंतर है कितना है 3/5 का अंतर कितना है 2। वैसे देखो यहाँ से 4 2 8 8 5 40 50 रुपये कट गया और यहाँ आ जाएगा आपका 50 की गुणा हमने 100 रुपये रखा हो गया 5000 रुपये, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाता है इस सवाल में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है वो टाइप इस प्रकार है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का जो योग है 270 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। आपकी और क्या है कि सालों का जो योग दे रखा है, यानी कि 3 वर्ष और 6 वर्ष का योग दे रखा है, देना है करना है हमें, और 270 रुपये यहाँ पैसों का योग दे रखा है, ब्याज का यहाँ से योग दे दिया। आपकी बात इस सवाल कैसे करेंगे, देखो वही तरीका है कि गुणा कितने रुपए दे रखे हैं, दर के 6% है और यहाँ 3 साल के लिए पहले बटे हो गया 100 प्लस यहाँ पी गुणा कितना है आपका 6% है और 6 साल के लिए है बटे हो गया 100 इसी कर लो कितने 270 रुपया दे रखे हैं हमारे ब्याज का योग। तो जब यहाँ योग होगा तो योग में यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों के बीच में, जब यहाँ योग में प्लस हो जाएगा तो कैसे करना है 6 दिया 18 पी बटे 100 और यहाँ से प्लस 6 6 36 36 पी बटे 100 इसी कर लो 270 रुपया। अब 36 और 18 को हमने प्लस कर लिया, देखो यहाँ पर क्या है दोनों का एडिशन तो 100 हो जाएगा, यहाँ 18 पी प्लस 36 पी दोनों मिलाकर इक्वल टू कितने रुपये 270 रुपये। तो 36 और 18 को हमने प्लस कर दिया तो प्लस होने के बाद कितने बनते हैं 36 और 18 जोड़ो 36 और 18 हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके 54 हो जाते हैं आपके यहाँ से, यानी कि आपके यहाँ आते हैं 54 54 पी बटे 100 इजी कर टू 270। देखें यहाँ 27 एकम 27 और 27 दूनी होते हैं आपके 54 और यहाँ से 2 से कट जाया गया आपका 5 बार, यहाँ हो गया इसका हल पी बराबर 100 की मल्टीप्लाई 5 में कितना जाएगा 500 रुपये आंसर। ये था इस सवाल का आंसर, आगे देखते हैं नेक्स्ट भी। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे, कैसे सवाल को हमें करना है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक अब की बार ये है कि ट्रिक ब्याजों का जो योग है गुणा करना 100 दर बटे दर गुणा समय का योग, जो समय दे रखा है उस समय का योग कर लो और जो ब्याज के दे रखे हैं योग के, जो ब्याज दे रखा है योग में उसको लिख लो और जो दर दे रखी है उसको बटे में लिख लो। अब यहाँ देखें कैसे करते हैं सवाल को हल, देखो ब्याज का जो योग है वो 270 रुपया है और गुणा कर लिया हमने 100, दर कितने आवाज 6% और समय का जो योग है 6 और 9, तो यहाँ से देखो 9 3 हो गए 27 30 और 6 5 30 5 इक्वल टू 5 गुणा 100 हो जाते हैं, तो कितना आते हैं 500 रुपये। यहाँ से आपका जो मूलधन है वो आपका 500 रुपये मूलधन से प्राप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपको अच्छे लगे हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि बेल आइकन दबा दोगे तो हमें पता रहेगी, आपको पता रहेगी वीडियो आई है नहीं आई आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।